मुझे गुरुकुल मत भेजो, वहाँ सब बहुत गंदे हैं, मुझे चिढ़ाते हैं। ऐसा मत कहो गणेश, तुम्हारे पिताजी बहुत क्रोधित होंगे और उनका क्रोध तो तुम जानते ही हो। पुत्र, तुम्हें इस प्रकार गुरुकुल छोड़कर नहीं आना चाहिए था। किंतु पिताजी। गणेश, अब तुम बड़े हो गए हो, अपने उत्तरदायित्व को समझो। जी पिताजी, अब से ऐसा नहीं होगा। धन्यवाद दोस्त। कुतुस, तुम यहाँ कैसे? मैं पाताल लोक से तुम्हें ढूंढता हुआ आया हूँ। किंतु मित्र, तुम इतने दिन थे कहाँ? मुझे मेरे पिता ने राक्षसों के गुरुकुल में डाल दिया है। वहाँ राक्षसों को, मनुष्यों को परेशान करना, ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करना और बहुत सारे गलत काम सिखाए जाते हैं। आज मैं वहाँ से किसी प्रकार भाग कर आया हूँ। मेरी स्थिति तो इससे भी बुरी है। मतलब? बताता हूँ। कल प्रातः काल पिताजी ने मुझे भी गुरु का सबकी गुरुकुल में भेज दिया और उसके बाद तुम ही बताओ, मैं इस चूहे को गुरुकुल कैसे ले जाऊं? वह सब मुझे कितना चिढ़ाएंगे। बात तो तुम सही कह रहे हो, कोई उपाय निकालते हैं। अरे इधर आओ मुशकराज, हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। देखते हैं तुम्हारे साथ क्या किया जा सकता है। मैंने कहा था ना, हम एक चूहे को घोड़ा नहीं बना सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं। वो क्या? अभी तुम गुरुकुल जाओ और इस चूहे को मेरे पास छोड़ दो। कल देखना मैं तुम्हारे लिए क्या सवारी तैयार करता हूँ। जैसा तुम कहो। अच्छा हुआ तुम आ गए, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। हाँ, लेकिन पिताजी ने तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें क्या दिया? तुम तो मुझसे भी अच्छा रथ लेकर आने वाले थे। लाया हूँ, किंतु मैं तुम्हें कल दिखाऊंगा। मुझे तुम्हारे रथ की प्रतीक्षा रहेगी। पिताजी ने क्या तुम्हें कोई वाहन दिया है? हाँ, किंतु मैं तुम्हें वाहन कल ही दिखाऊंगा, जब हम कुबेर के भोजन में जाएंगे। कुबेर के भोजन पर तो हम भी जाएंगे, तब देखेंगे कि तुम्हारा वाहन कैसा है। गणेश, गणेश जल्दी उठो, चलो मेरे साथ। ये रथ बिना घोड़ों के? अरे वाह कुतुस, तुमने तो चमत्कार कर दिया। चमत्कार तो मुशकराज का है, ये कोई साधारण चूहा नहीं है। इतने छोटे चूहे में इतनी शक्ति होगी कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये रथ दिया है तुम्हारे पिताजी ने, लेकिन वो घोड़े तो देना भूल ही गए। कहो तो हमारे महल में दो गधे हैं, तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। देखा मेरा चमत्कार, अब कोई मुझे कुछ बोल के तो दिखाए। आज तो कुबेर के भोजन में मुझसे अनोखा वाहन किसी के पास नहीं होगा। गणेश, अब खाना बंद भी करो, नहीं तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। हाँ, आधा भोजन तो तुम ही खा चुके हो,
देखो सारे लोग जा चुके हैं, अब चलो यहाँ से। मजाक बना रहे हो ना? देखना, मैं सबको एक दिन सबक सिखाऊंगा। अपने लिए ऐसा वाहन लाऊंगा कि तुम सब देखते रह जाओगे। कितना बुरा हुआ ना गणेश के साथ। पहले उनको गुरुकुल में इतना अपमान सहना पड़ा और उसके बाद भगवान कुबेर के यहाँ भोजन पर सबने उनकी इतनी हंसी उड़ाई। लेकिन गणेश ने भी ठान ली थी कि वे सबको सबक सिखा कर रहेंगे। सब तुम्हारे कारण हुआ है, अब तुम भूल कर भी मेरे पास मत आना, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ मुशुकराज, तुम इतना परेशान क्यों हो? गणेश, क्या तुमने मुशकराज से कुछ कहा? हाँ, मैंने उसे बहुत डांटा, अब वो मुझे कभी परेशान नहीं करेगा। इसमें मुशकराज की क्या गलती है? वो तो तुम्हारी सहायता कर रहा था। तुम्हें मुशकराज से सहानुभूति है और मुझसे नहीं? मेरे साथ कितना बुरा हुआ है, अब मैं गुरुकुल वापस कैसे जाऊँगा? सोचना पड़ेगा। क्यों ना हम नंदी को बोले कि वो कुछ दिन के लिए तुम्हारा वाहन बन जाए। वो इतना बड़ा और शक्तिशाली है कि गुरुकुल में तुम्हारी दाद जम जाएगी। हाँ, ये उचित है। चलो नंदी के पास चलते हैं। गणेश आज भी गुरुकुल नहीं आया, पता नहीं कहाँ होगा। कार्तिकेय भैया उसे ढूंढने जंगल में गए हैं। किंतु हम दोनों को भी चुप नहीं बैठना चाहिए, हमें डब्बू को सबक सिखाना ही चाहिए। हाँ, चलो हम उसकी शिकायत गुरुजी से करते हैं। अगर मेरी शिकायत गुरुजी से की तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो तुम्हारे प्रिय भाई गणेश का किया, समझे? अरे गणेश, तुम गुरुकुल से दोबारा वापस आ गए, और ये तुम्हारे साथ कौन है? नंदी, ये मेरा मित्र कुतुस है और हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। हाँ नंदी, हम तो तुम्हारी सहायता मांगने आए हैं। सहायता? नंदी, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरा वाहन बन सकते हो? नहीं गणेश, ये नहीं हो सकता। मुझ पर तो भगवान शिव सवारी करते हैं। किंतु पिताजी तो कैलाश पर्वत छोड़कर कहीं नहीं जाते। क्या तुम एक दिन के लिए भी मेरी सहायता नहीं करोगे? मैं केवल अपने गुरुकुल की घमंडी बालकों को सबक सिखाना चाहता हूँ। सबक? क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? हाँ, बताता हूँ। हमारे गुरुकुल में डब्बू नाम का एक बालक है। पहले दिन से ही वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कक्षा में गुरुजी से डांट पड़ने के बाद
उसने मुझे दोबारा अपमानित किया और फिर कुबेर की दावत में भी इसने मुझे अपमानित किया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम केवल एक बार मेरे साथ गुरुकुल चलो, ताकि मैं सबको दिखा सकूँ कि मेरे पास भी एक शक्तिशाली वाहन है। क्या अब भी तुम मेरी सहायता नहीं करोगे? ठीक है, मैं केवल एक दिन के लिए तुम्हारा वाहन बनने को तैयार हूँ। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, मांगो जो मांगना है। प्रभु, आप हमें अमर होने का वरदान दीजिए। मुझे क्षमा करो, किंतु ऐसा वरदान तो मैं चाह कर भी नहीं दे सकता। सृष्टि का नियम है कि यहाँ हर जीव नश्वर है। अगर आप हमें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद। नए एपिसोड्स देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।